गढ़चिरौली आगर के एसटी में यात्रियों को खुली छतरी लेकर बैठने का समय आया है। राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने गुस्सा जाहिर करते हुए गतिमान सरकार के दौरान एसटी की दुर्दशा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि आए दिन कहीं न कहीं एसटी बसों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कहीं एसटी बसें सड़क पर कहीं भी रुक जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा का एकमात्र साधन एसटी बस है और वह सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार ने गढ़चिरौली के ग्रामीणों सहित महाराष्ट्र के सभी यात्रियों पर ऐसे बुरे दिन ला लिए हैं। गढ़चिरौली जिले में राज्य परिवहन निगम की चलती बस का पथराव उड़ गया। अब यात्रियों ने खुद ही चलती बस की सभी सीटों पर बारिश का पानी रिसने का वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में खोट और गढ़चिरौली के बीच चलने वाली बस की सभी सीटों पर बारिश का पानी गिर रहा है। टंकी से पानी रिसने के कारण बस में कई यात्री खड़े हैं, जिनमें महिला, पुरुष और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। इस तथ्य के बावजूद कि गढ़चिरौली डिपो की बसें स्क्रैप हो चुकी हैं, उन्हें बिना किसी समझौते के सड़क पर उतारा जा रहा है। यह यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का गंभीर रूप है। इस गतिशील सरकार को गढ़चिरौली जिले के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, जो एक बहुत ही दुरस्त क्षेत्र है। राज्य सरकार को ऐसा ध्यान देना चाहिए और राज्य में एसटी कबाड़ बसों को हटाकर नई बसें मुहैया करानी चाहिए, ऐसी मांग इस समय डॉक्टर राउत ने की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेबरी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।